गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दीज ई क्लासेस, दीज ई लेक्चर्स. आई एम अभिषेक पारिक एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दैट इज यूनिट नंबर 1 अंडर द सब्जेक्ट कोड 1004, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश. This year onwards, we are having the semester system. There will be 2 semesters per year, and first year classes will run in 2 semesters, that is semester number 1 and semester number 2. In the session 2019-20, there was annual exam scheme, and the syllabus was entirely different from what you are going to study this year, or rather I can say in the first semester. What I like about the subject that has been named as communication skills in English is that this is a practical approach. Here we have this practical approach to the subject, and it is very important for all of you to learn. It is very important for all of you to understand what actually are communication skills, why these skills are important to us, what is the purpose of introducing this topic, communication theory and practice, for you. All these things I have discussed in my first video, where I had discussed the syllabus. Now, in previous 2 videos, I told you about the basics that are related to the communication process, the system of communication. So, go through all the PPTs carefully, watch the videos carefully, listen to what I am telling you, listen to what I have described there. It is of foremost important to you. ये जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसी हिसाब से आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ये बात मैं बार बार दोहरा चुका हूँ. Now come to the topic itself. This is process of communication. My first slide was introduction. Second one was the basics. And third one is all about the process of communication. In the second slide, meaning and definition of communication was made clear to you. Now here, the process has been explained. The process of communication refers to the transmission or passage of information or message from the sender through a selected channel to the receiver, overcoming barriers that affects its pace. आपको पढ़ के लगा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट सी एक डेफिनेशन यहां पर दी हुई है. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन और पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. कुल मिला के अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पहली ही लाइन में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि ये एक इंफॉर्मेशन का पास किया जाना है, ये एक इंफॉर्मेशन का दूसरी जगह पहुंचाया जाना है. इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेज. कोई भी सूचना या संदेश जब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है तो सिंपल वर्ड में तो वही कम्युनिकेशन कहलाता है. फ्रॉम द सेंडर, उसे भेजने वाले की तरफ से. देयर इज सम सेंडर हु इज सेंडिंग दैट मैसेज थ्रू अ सेलेक्टेड चैनल. थ्रू अ सेलेक्टेड चैनल का मतलब है कि देयर इज सम मीडियम,
कोई ना कोई ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ये बात वहां तक पहुंच रही है, कोई ना कोई ऐसा माध्यम है जहां से सेंडर उस माध्यम को यूज करके अपनी बात को पहुंचा रहा है और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है और उसे फीडबैक देगा। बिल्कुल वही चीज मैं यहां पर भी कर रहा हूं। मेरे पास एक मैसेज है, मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मुझे आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना है और यह सब मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और वो माध्यम भी आगे जाके कहां अपलोड किया जा रहा है, YouTube चैनल पर, जिसके जरिए जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इस लेक्चर को समझ पा रहे हैं, आप इस लेक्चर को वर्चुअली अटेंड कर पा रहे हैं। तो वापस आप इस डेफिनेशन पे गौर करें। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन refers to the transmission or passage of information or message from the sender through a selected channel to the receiver, overcoming barriers that affects its pace. उन barriers को भी ध्यान रखें जो बीच में आते हैं, जो एक communication को खराब कर सकते हैं, जो एक communication को रोक सकते हैं, बाधित कर सकते हैं, उन सबको ओवरकम करते हुए जो भी संदेश आपने समझा, जैसा भी संदेश आपके पास पहुंचा, उसे समझना उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। सो ये जब कंप्लीट होता है तो एक वर्ड आता है, साइकिल। एक वर्ड आता है साइकिल, मींस इट्स अ साइकिल, जहां पर यह बात आपसे हो रही है कि प्रोसेस जो है वो पूरा जब चलता है तो कंप्लीट एक साइकिल बनती है, और उस साइकिल को ही ध्यान में रख के आप उसे समझ पाएंगे कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। गॉट इट? देखा आपने कि कोई भी चीज है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं आपको कोई भी मीडियम में यूज कर रहा हूं, किसी भी मीडियम को यूज करते हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ग्रास्प जब तक नहीं करेंगे, आप उसे जब तक समझेंगे नहीं, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो इट इज बेटर टू ओवरकम एनी बैरियर, यही डेफिनेशन है और ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। हाँ, इसी बीच ये जरूर है कि ये मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन है वीडियो में, मैं आपके सामने हूं। समटाइम्स वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो आई मीन कैजुअल्स, यू ऑल कैन सी, बट स्टिल इट इज समथिंग कि मैं आपसे एक आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप ये समझ पाए कि टीचर जो भी कुछ हमें समझा रहे हैं, हमारे फैकल्टी जो भी कुछ हमें समझा रहे हैं, वो बिल्कुल हम सामने बैठकर समझ रहे हैं। दैट इज फार मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोसेस हम लोगों ने कम्युनिकेशन का समझा है, उसमें बहुत मामूली सी चीज आपको याद रखनी है, ये है सेंडर, ये है रिसीवर, और बीच में जो भी लिंक आ रहा है वो उसका मीडियम हो गया। उस मीडियम को आपको ध्यान रखना होगा, वो मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कॉमन होता है। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट वन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक वन एज इट बिगिंस विद द सेंडर एंड एंड्स विद द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। साइकिल कंप्लीट होती है इस तरह से, यहां सेंडर है, सेंडर ने यहां से अपनी बात पहुंचाई, फीडबैक जब तक नहीं आएगा यहां आकर, तब तक वो कंप्लीट नहीं है। आपने टीचर से क्वेश्चन किया, टीचर ने उसका आंसर दिया, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हां सर मुझे समझ में नहीं आया,
तब तक टीचर के दिमाग में डाउट रहेगा कि इसे समझ में आया या नहीं आया। वो फीडबैक जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट? यस। अब बात यहां पर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की, और वो पहलू है इट टेक्स प्लेस अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अपवर्ड नीचे से ऊपर कोई चीज पहुंचना, स्टूडेंट से प्रिंसिपल तक अगर कोई चीज जा रही है तो वो अपवर्ड हो गया, प्रिंसिपल से स्टूडेंट तक कोई चीज आ रही है वो डाउनवर्ड हो गया। लेटरली का मतलब है कि वो एक इक्वल भी हम लोग बात कर ही सकते हैं, टीचर टीचर से, स्टूडेंट स्टूडेंट से। सो बी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स। ना वही टर्मिनोलॉजी आपको यहां पर समझाया जा रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम वन लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ए लोअर लेवल सच एज मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज। मैनेजर से हायर लेवल से नीचे की ओर, फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉय, ये जो जा रहा है ये माध्यम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। अपवर्ड डायरेक्शन इसका विपरीत हो गया, जहां पर बातें एम्प्लॉय से मैनेजर लेवल तक, डाउन से अप जा रही हैं, वो अपवर्ड हो गया, वो डाउनवर्ड, सॉरी सच एज मैनेजर टू और क्लोज टू ए हायर लेवल, यानी नीचे से अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो अपवर्ड हो गया। मे बी आई टोल्ड यू द अपोजिट इन द प्रीवियस स्लाइड, हियर इट इज वेरी क्लियर। डाउनवर्ड मीन्स फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉय एंड अपवर्ड मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर की ओर। तो उसी चीज को मैं वापस एक बार आपको रिपीट करता हूं कि अगर प्रिंसिपल से बात आप तक पहुंच रही है तो वो डाउनवर्ड हो गया, और आपसे अगर बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच रही है तो वो अपवर्ड हो गया, लेटरल हो गया, इक्वल, जहां पर बिल्कुल एक लेवल पर रहकर जब लोग बात करते हैं। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इसमें। इट इज नॉट एट ऑल टू बी कंफ्यूज, इट इज वेरी क्लियर। सी, लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन, वो आता है आपके सामने। मैं अभी स्क्रीन आउट करता हूं ये वाली। कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्टेप्स वेयर ईच स्टेप कंस्टिट्यूट्स द एसेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये कुछ ऐसे स्टेप्स को दर्शाता है जहां पर हर स्टेप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सेंडर से शुरुआत हुई, सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया, उसे एक मैसेज के रूप में तैयार किया, एक प्रॉपर चैनल का चुनाव किया, रिसीवर की तरफ वो मैसेज पहुंचा, उसने उसको डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद उसने उसे फीडबैक दिया। इस बीच में जो एक येलो कलर के बॉक्स में, सर्किल में आप जो देख रहे हैं ओवल शेप के अंदर, वो है नॉइज। नॉइज एक तरह का बैरियर है, नॉइज एक तरह का डिस्टरबेंस है जो कि मैसेज को अफेक्ट कर सकता है, उसके प्रॉपर समझे जाने को प्रभावित कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो नॉइज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
This is the model of communication process. And in this model, first point is the sender decides the message to be transmitted. सेंडर यानी भेजने वाला पहले ये निश्चित करेगा कि मुझे मैसेज भेजना क्या है, व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई हैव टू आस्क, व्हाट आई हैव टू टेल, व्हाट आई हैव टू नो. द सेंडर डिसाइड्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड. सेकेंडली द सेंडर एनकोड्स द मैसेज. सेंडर जो है मैसेज को एनकोड करता है कि हाँ मैं उसे एक प्रॉपर शब्द दे दूं, उसे एक प्रॉपर भाषा के साथ में बोलूं, लिखूं, कहूं. द सेंडर सेलेक्ट्स द एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. मुझे ये संदेश व्हाट्सएप पे देना है, मुझे ये संदेश ईमेल से देना है, मुझे ये संदेश ट्रेडिशनल मेल यानी लेटर्स से देना है, मुझे ये संदेश फोन पर बोलना है, मुझे ये संदेश वीडियो कॉलिंग से पहुंचाना है, या मुझे ये संदेश सिर्फ और सिर्फ इशारों में पहुंचाना है. ये सब कुछ एक प्रॉपर चैनल है. इनमें से कौन सा चैनल चुना जाता है? द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज. नाउ रिसीवर मैसेज को रिसीव कर रहा है. द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज. उसे उसने खोला, उसे उसने समझा, मतलब उसे पढ़ा, उसे सुना, उसे देखा, उस सिंबल को देखा, उस इशारे को देखा जो आपने किया है. द रिसीवर प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द सेंडर. एंड फाइनली उस रिसीवर ने फीडबैक दिया, हां जी मुझे समझ में आ गया, नहीं जी मुझे तो समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, मैं नहीं समझा क्या कह रहे हैं आप, गॉट इट. इस तरीके से जब वो फीडबैक देता है तब कहीं जाकर ये पूरा संप्रेषण जो है, ये पूरा जो चक्र है ये कंप्लीट होता है. गॉट इट. जहां जिस वेबसाइट से ये पिक्चर ली है वहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है एंड इस पिक्चर को मैं करेक्ट नहीं कर सकता, तो स्पेलिंग जो है आर ई सी ई आई वी ई आर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां भी रिसीव्स दिया हुआ है उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वो स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं. नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इट इज नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि मैसेज समझ में ही आए. कई बार सामने वाला भी उसको अपने दिमाग में कुछ नोशंस होते हैं, उसके अपने दिमाग में कुछ गलत फहमियां होती हैं जिससे वो मैसेज समझना ही नहीं चाहता. तो कुल मिलाकर बात यही आती है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हाउएवर is not as smooth or barrier free as it seems. कोई भी मैसेज उतना स्मूद या उतना हैसल फ्री, बैरियर फ्री नहीं होता जितना वो हमें दिखाई देता है. From its transmission to receipt, the message may get interfered or disturbed with at any stage by many factors which are known as barriers to effective communication. किसी भी वजह से, किसी भी कारण आपका मैसेज जो है वो हैम्पर हो सकता है, आपके मैसेज को डिस्टर्बेंस हो सकता है. और मैसेज चूंकि अगर एक बार बीच में ही डिस्टर्ब हो गया तो वो आगे जब रिसीव होगा तो वो प्रॉपर फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा जिसकी आप आशा कर रहे हैं. बहुत ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में जब आप जाते हैं
और आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और दुकानदार ने बोला 200 रुपये, आपको सुना 100 रुपये। लैंग्वेज उसकी ठीक है, माध्यम वही है जो आप चाहते हैं भाषा का, लेकिन आसपास कहीं हॉर्न ब्लो हो रहा है, कहीं कोई सब्जी ले लो चिल्ला रहा है, कहीं कोई टिकिया वाला आपको बुला रहा है, कहीं कोई गोलगप्पे वाला आपको बुला रहा है, आपको 10 तरह के डिस्टरबेंस वहां हो रहे हैं। आपको सुनाई दिया 200 की जगह 100, आपने 100 का नोट निकाला, दुकानदार नाराज हो गया, अरे भाई साहब ये क्या दे रहे हो? बोला भाई आपने बोला है। नो, उसने नहीं बोला, उसने 200 ही बोला, आपने 100 सुना। लेकिन शोर होने की वजह से, क्या शोर होने की वजह से, ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू डिस्टर्बेंस, यू जस्ट कुड नॉट रिसीव व्हाट ही सैड, व्हाट ही इंटेंड टू से। बस यही कहलाता है बैरियर। और बैरियर सिर्फ एक नहीं होता कि नॉइज है, बैरियर कई तरह के होते हैं। वो बैरियर्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे कितने तरह के बैरियर्स एक मैसेज के बीच में आ सकते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा कम्युनिकेशन बैरियर फ्री हो। एक और जो बैरियर होता है वो होता है पुअर चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मेथड। आपने क्या माध्यम चुना, आपने क्या मीडियम चुना, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन एडिशन टू अ पुअर चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, अदर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड नॉइज एंड अदर फिजिकल डिस्ट्रैक्टर्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एंड फेलियर टू रिकॉग्नाइज नॉन वर्बल सिग्नल्स। नॉइज की हालांकि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, कुछ और फिजिकल डिस्ट्रेक्शंस होते हैं जैसे आवाज का कम पहुंचना, हो सकता है धीरे बोला गया हो सकता है बिल्कुल विस्परिंग की गई हो सकता है आपको तेलुगु नहीं आती हो, तेलुगु में बोल दिया गया हो सकता है आपको उर्दू नहीं आती हो, उर्दू में बोल दिया गया हो। उसके अलावा फेलियर टू रिकॉग्नाइज नॉन वर्बल सिग्नल्स। नॉन वर्बल सिग्नल्स का मतलब होता है आपके इशारे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हो सकता है आप उस बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हो, ठीक है। ये सब भी क्या कहलाते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन द मैसेज कन्वेड बाय द सेंडर इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वॉज इंटेंडेड। जैसा इंटेंड किया गया, जैसा उसको पहुंचाना था, उसी वे में उसे समझना होगा। मैं बार 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 10 बार 1000 बार आपको ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट ए नोट ऑन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। Who is a sender? Who is a receiver? What is the feedback? ऐसे ही questions आपको exam में पूछे जाएंगे. Got it? Now, अभी मैंने बात की elements in the process of communication. So, here we go with the elements. And these are the elements, these 7 elements are there. First one is sender. Second one is message. Encoding.
channel, receiver, decoding, फीडबैक। थोड़ा सा एक सीक्वेंस है जिससे मैं चेंज कर रहा हूं, सेंडर भेजने वाला, एनकोडिंग कैसे उस मैसेज को लपेटना है, कैसे तैयार करना है, मैसेज बन जाता है, चैनल को चुना जाता है, एक रिसीवर होता है वो उसे डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद वो उसका फीडबैक सेंडर तक पहुंचाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर? दिस गेटिंग मोर क्लियर टू यू नाउ? सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड द फीडबैक। ये सात इंपॉर्टेंट पहलू हैं, ये सात महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इन्हें आप रट लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, और मेरा जो अगला जो स्लाइड होगा, अगला जो प्रेजेंटेशन होगा, वो इन सातों को एक्सप्लेन करते हुए होगा। बहुत शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो एग्जाम में लिखने के लिए आपको टर्म्स चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए जो आपको एक मैटर चाहिए, मसाला चाहिए, वो आपको आगे मिलेगा। वो सेंडर क्या है, उसको इंग्लिश में आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो एनकोडिंग क्या है, उसे आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, वो मैसेज क्या है, कैसे डिफाइन आप करेंगे, चैनल को डिफाइन कैसे करेंगे, रिसीवर को कैसे करेंगे, डिकोडिंग क्या होता है उसे क्या लिखेंगे, फीडबैक क्या होता है उसके बारे में क्या लिखेंगे, वो सब कुछ आपको आने वाली स्लाइड्स में बताया जाएगा। तब तक आपको जो वर्क करना है, तब तक आपको जो खुद एक नोट्स तैयार करने हैं, वो यही है कि पहला क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कीजिए, कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी कम्युनिकेट। क्वेश्चन नंबर टू, यू रेट योरसेल्फ ऑन द स्केल 1 to 10 इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने आप को 1 से 10 तक के पैमाने पर नंबर दीजिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। आपको लगता है बहुत अच्छा, आप 10 में से 10 दीजिए। आपको लगता है बहुत कमजोर है, 2, 3, 4 नंबर जो आप देना चाहें, बट इट शुड बी डन विद ऑनेस्टी। खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद को जज करने में बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करनी है, खुद को जज करने में खुद से नाराजगी नहीं दिखानी है। जैसा आप अपने आप को समझते हैं, उसका कोई लेवल आप तय कीजिए, और ये सोचिए अगर आपने अपने आप को नंबर कम दिए तो क्यों दिए, और अगर आपने नंबर अच्छे दिए तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाता है। लेकिन उसके लेवल क्या हैं, उसके मापदंड क्या हैं, वो सुन लीजिए। नंबर वन, आईने के सामने खड़े होंगे, मिरर के सामने खड़े होंगे, और खुद से खुद का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योरसेल्फ। नंबर टू, अपनी फैमिली में 2 लोगों का इंटरव्यू लेकर देखेंगे, आप उनसे बातचीत करके देखेंगे। और नंबर 3, किसी भी सोशल टॉपिक को लेकर अपना खुद का एक वीडियो बनाएंगे और उसे सुनेंगे। बस ये 3 चीज आप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, पर इस आधार पर अपने को मार्क्स देने की कोशिश करें, और मेरे साथ अपने आइडियाज को, अपने इन मार्क्स को शेयर करें कमेंट सेक्शन में जाकर।
वीडियोस को लाइक करें, लाइक सेक्शन में जाकर, और ऑनेस्टी से ये बताएं कि आपको इसमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है. और एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन दीज स्लाइड्स, विदाउट एनी हेजिटेशन डू शेयर योर फीडबैक. प्लीज टेल हाउ यू फील, प्लीज टेल आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इन स्लाइड्स को पढ़कर. प्लीज टेल व्हाट यू वांट मोर. ओके, तब तक के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्टे सेफ एट होम, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ, बी क्लियर इन व्हाट यू आर डूइंग, बी ऑनेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग रेगुलरली, बी पंक्चुअल. थैंक यू, अगली स्लाइड में फिर मिलेंगे.